मैं मनमोहन तिवारी और आज फिर हम आपको दिखाने आए हैं भ्रष्टाचार का नंगा नाच। जी हाँ, ये ग्राम पंचायत सचिवालय बाटपुर बनकटी में हम खड़े हैं, जो कि विकास खंड मिहिरपुरवा जनपद बहराइच अंतर्गत आता है। और हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं वो सभी मजदूर हैं, मनरेगा मजदूर हैं, जिनसे हम बात करके आपको बताएंगे कि क्या मामला है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सभी मजदूर मजदूरी के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि साथ क्या किया है वो इनकी जुबानी हम सुनेंगे। कहीं ना कहीं इन मजदूरों के साथ जो अन्याय किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, उसमें बड़ा तुष्टिगुण लागू हो रहा है। तुष्टिगुण की बात अगर हम करते हैं तो इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ ये सभी जॉब कार्ड धारक हम दिखा दें, इन सभी के पास जॉब कार्ड है। इन सभी का जॉब कार्ड काट दिया गया, सिर्फ इसलिए काट दिया गया कि इनको 500 रुपए दे करके इनकी मजदूरी का सारा पैसा ले लिया जाता था। जब इन्होंने विरोध किया तो इनका पूरा जॉब कार्ड काट दिया गया, इनका इनरोलमेंट हटा दिया गया। हम बात करेंगे इन ग्रामीण मजदूरों से, बात करेंगे। माता जी, क्या समस्या है? समस्या क्या है, जॉब कार्ड कट गए हैं, कैसे काम किया जाएगा? जॉब कार्ड आपका कट गया है? कट गया है कि काटा गया है? काटा गया है। वो अपने बाप कैसे कटेंगे? माता जी, किसने काटा? खिलावन कौन है? राजकुमारी के पति। राजकुमारी कौन है? रोजगार सेवक। तो ये आपको कैसे पता चला आपका डिलीट हो गया? जब हमारे काम नहीं मिला, काम जो किए थे वो पैसा भी नहीं मिला, जब जॉब कार्ड काट दिया गया तो पैसा कहाँ से आया? अच्छा, आपने काम किया उसका भी पैसा नहीं मिला? भी पैसा नहीं मिला। यहाँ पर सभी लोगों का यही हाल है। भैया, आपका क्या हाल है? भैया, हमको पैसा नहीं मिला, जॉब कार्ड कट गया, पैसा नहीं मिला। आपका यही बात है, पैसा नहीं मिला। हाँ, पैसा नहीं मिला। तो जॉब कार्ड क्यों काट दिए? अब ये तो पैसा लेने के लिए। कैसा पैसा लेने के लिए? कि फिर जब दोबारा बनवाएंगे फिर 500 रुपया लेंगे, इसके बाद फिर बनवा देंगे। अच्छा, यानी पैसा लेने के लिए किया गया। आपका भी कटा है? क्यों काटा? अब का पता क्यों काटे, अब वैसन मारे काटे नहीं कि पैसा पे हम काट दीबे तो दोबारा बन पैसा मिल, दोबारा पैसा मिल जाए हमका। अच्छा, ये देखिए काफ़ी बड़ी समस्या है और काफ़ी यहाँ ग्रामीण खड़े हैं। देखिए माता जी क्यों काट दिया आपका? काट दिया इसी वजह से नहीं कि काम नहीं करना। हाँ, वही तो कटा। हाँ, बड़ी समस्या है यहाँ। ये देखिए आप है, आपका क्या नाम है? राधिका। कहाँ की रहने वाली हैं? बाटपुर बनकटी। आप राधिका जी इन सभी का नेतृत्व कर रही हैं। तो राधिका जी, क्या समस्या है, क्यों काटा गया? अब ये समस्या अभी है, यहाँ पर सभी गरीबों लोग मजदूरी किए, उनको पैसा नहीं मिल रहा है, जॉब काट दिया जा रहा है, फिर क्यों काटा दिया जा रहा है ये तो राजकुमारी जानेंगी, राम खिलावन जानेंगे। ठीक, ये मजदूरों लोग बहुत परेशान है, हम यही चाह रहे हैं कि सभी मजदूरों को पैसा मिल जाए। अगर पैसा, हम लोग आज 4 महीने से दौड़ रहे हैं, हम लोग का कोई कार्रवाई सुनवाई नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है अब यही लोग जानेंगे, अधिकारियों लोग जानेंगे। ठीक। अच्छा, अधिकारी भी नहीं सुन रहे हैं? अधिकारी भी नहीं सुन रहे हैं। आपने एप्लीकेशन दिया? जी, हमने एप्लीकेशन भी दिया, बहराइच भी गया, सब पहुँच दौड़े, लेकिन हमारा कोई सुनवाई नहीं हो। 1076 में भी कम्प्लेन किया गया, उसका भी सुनवाई कुछ नहीं हुआ। ये देखिए बाबा जी, आपकी हेल्पलाइन पर ये लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो संज्ञान नहीं ले रहे। सबसे बड़ा घोटाला जो हो रहा है वो यही है कि इन मजदूरों का जो धन है, इनकी जो मजदूरी है, उसका बंदरबांट करने के लिए इनका जॉब कार्ड काट दिया जाता है, लेकिन जो जिम्मेदार रोजगार सेवक हैं इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। बाबा जी, कहीं ना कहीं आपके राज्य में बड़ा घोटाला जो हो रहा है वो यही हो रहा है कि इन मजदूरों का धन मारा जा रहा है, इन मजदूरों का धन लूटा जा रहा है, लेकिन जो जिम्मेदार हैं, जिनको आपने नियुक्त कर रखा है, वो भी संज्ञान नहीं ले रहे। जबकि कई पेपरों में ये खबर पहले से प्रकाशित हुई, मुझे भी संज्ञान हुआ तो मैं इन लोगों से मिलने आया, और आज मैं यहाँ की सत्यता दिखा रहा हूँ। अगर जरा भी इनकी कदर करते हैं आप, ऐसे रोजगार सेवकों को और ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों को बाबा जी आपको रेलना चाहिए, जो इन गरीबों का धन खा रहे हैं, इन गरीबों की मजदूरी का पैसा खा रहे हैं। कैसे खा रहे हैं? इनका जॉब कार्ड डिलीट करके खा रहे हैं।
ये लोग बता रहे हैं कि इनको बनवाने के नाम पे, जाप कार्ड दोबारा बनवाने के नाम पर इनसे 500-500 रुपए की वसूली होती है। क्यों दीदी? जी हाँ, वसूली होती है, वसूली होती है। देखिए हम बात करेंगे यहाँ के जो प्रधान प्रतिनिधि हैं उनसे। हमारे साथ में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि बाजपुर बनकटी प्रदीप छोटू जी हैं। छोटू जी, क्या समस्या है आपके ग्राम पंचायत में? कई ग्रामीणों का जाप कार्ड काट दिया गया है, उनका आरोप है और काफी वो पीड़ित हैं। क्या समस्या है? बात ये भैया कि आज के 5 महीना पहले ये मजदूर काम किए थे जी। जब इनकी मजदूरी नहीं आया तो मैं ब्लॉक पर जानकारी किया तो पता चला कि इनका जाप कार्ड डिलीट कर दिया गया जी। तो मैंने सचिव साहब से दीपक चौधरी जी से कहा कि ऐसा है कि 350 जाप कार्ड डिलीट कर दिए गए हैं, इसकी जानकारी दीजिए आप। मैंने तो कोई आदेश नहीं दिया है जी। आपका आदेश हुआ तो उन्होंने कहा कि मेरे तरफ से कोई आदेश नहीं हुआ, तो ब्लॉक पर जानकारी किया गया तो उन्होंने कहा कि रोजगार सेवक राजकुमारी के द्वारा जाप कार्ड डिलीट किए गए हैं। जनपद पर इसके डीएम साहब को जानकारी दी गई और ब्लॉक पर मजदूर गए, लिखित में अप्लीकेशन दिए, लेकिन अभी तक की कोई प्रकार की रोजगार दोषी रोजगार सेवक के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। तो प्रधान जी का आरोप है कि यहां से मुख्यालय तक प्रधान जी के मजदूर लोग गए, ज्ञापन सौंपा, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। और आपको हम दिखा दें, ये प्रधान जी लेकर के बैठे हैं, ये है साइबर एक्सप्रेस पेपर है जिसमें खबर भी प्रकाशित हुई है। ये देखिए, ये खबर भी प्रकाशित हुई है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया था, लेकिन अभी तक अधिकारियों द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया। कहीं ना कहीं एक बड़ी राजनीति यहाँ की जा रही है, क्योंकि ये जो ग्राम प्रधान है ये ईमानदारी से काम करते हैं, लोगों का कहना है, और इनका जो आरोप है कहीं ना कहीं वो सत्य है, क्योंकि आपको हमने दिखाया कितने जो रोजगारी हैं, कितने जो जाप कार्ड धारक हैं, जिनका जाप कार्ड काट दिया गया है, जिनकी मजदूरी के साथ बंदरबांट किया जा रहा है, वो यहाँ पर अपना बयान दे चुके हैं।